हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे है दोस्तों, आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ राइस बैग से बहुत ही यूनिक सा एक चीज़ आप लोगों के साथ बनाकर मैं शेयर करने वाली हूँ, और वो क्या चीज़ है वो तो आपको आगे जाके पता चलेगा। बहुत ही सुंदर सा चीज़ बनाने वाली हूँ और बहुत ही मतलब यूज़फुल सा चीज़, बस सुंदर नहीं यूज़फुल भी है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 3 पीसेस राइस बैग का, और ये पीसेस कितने नाप के हैं वो भी मैं बताऊँगी। तो ये देखो जो बड़ा वाला पीस है ये है 17 इंचेस की लेंथ है और विड्थ है इसकी 24 इंच की, ठीक है। नाप आप बराबर रखना जितना मैंने लिया है। तो ये 17x24 इंच का मैंने ले लिया है बड़ा वाला पीसेस। छोटे बड़ा वाला पीस और छोटा वाला जो है मैंने 2 पीसेस लिए हैं। लेंथ है इसकी 8 इंच की, विड्थ इसकी 10 इंच की। तो ये देखिए मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं। सिंगल वाला पीस मैंने लिया है अभी एक, इसको मैंने बीच से फोल्डिंग कर ली है, किनारे से एक राउंड शेप कर ली है, क्योंकि हमको लेना है इसको ओवर शेप में। तो एक ही तरफ से ओवर शेप बनाना है इसलिए कटिंग कर रही हूँ। तो देखो बन गया हमारा एक साइड से ओवल। इसको रख कर मैं दूसरा पीस भी ऐसे ही ओवल में कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों पीसेस एक बराबर कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे इसको ना कवर करेंगे। एक मैंने कॉटन का पीसेस ले ली है, एक मैंने ये जो भी फैब्रिक आपके पास अच्छा वाला हो वो ले लेना। मेरे पास ये बचा हुआ कतरन था तो मैंने ले लिया, मतलब 4 पीसेस ले लिए, क्योंकि 2 हमने राइस बैग का हमने लिया है ना इसलिए। तो पहले हमने कॉटन का रखा, उसके बाद राइस बैग रखा, उसके बाद ये मेन फैब्रिक रखा। अब हम लगाएंगे उसके ऊपर सिलाई। तो ये देखो 2 पीसेस हमने ऐसे करके सेटिंग कर ली है, अब हम सिलेंगे। और ये देखो मैं सिलकर लेकर आ गई हूँ। पहले जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था वैसे ही हमने सिला। बीच में हमने राइस बैग को रखा और दोनों तरफ से ऐसे फैब्रिक लगाकर ऊपर से ऐसे करके टेढ़े टेढ़े मैंने सिल लिए ताकि ये जम जाए ठीक से। आप चाहो सीधा भी सिल सकते हो, आपकी मर्जी। अब हम ये बड़ा वाला जो राइस बैग है इसको भी ऐसे ही सिलेंगे। पहले हमने ये कॉटन का कपड़ा रखा है, बीच में हमने राइस बैग रखा है, ऊपर से हमने मेन फैब्रिक। अच्छा ये वाला मेन फैब्रिक ये दूसरा पीस है, क्योंकि हमारे पास जो है कतरन बहुत सारे पड़े होते हैं तो उसी से हम काम करते हैं। तो ये वाला जो कतरन है इसको भी हम ऐसे ही सिलेंगे। और आपको ये वाला भी आपकी मर्ज़ी आप कैसे भी सिल सकते हो आड़े टेढ़े सीधा। तो देखो मैंने ऐसे करके सिल ली है, चारों तरफ से सिल लिया है पहले और उसके बाद हमने लगाई है बीच से सिलाई। तो ये देखो चारों तरफ से सिलाई कर ली है। अब हम ऐसे करके सीधे सीधे हमने ना सिलाई लगा ली है। अब वो वाला जो ब्लू वाला था हम टेढ़े लगाए थे, ये वाला सीधा लगाया है। तो पूरा हमने ऐसे ही करके सिलाई कर ली है। तो ये वाला देखो अभी हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे। हाँ ऐसे करके ना एक किनारे पे हमको रखना है और बस इसके 1/2 इंच पे हमको सिलते जाना है। ऐसे करके घुमाकर ना बस इसको घुमाएंगे, ब्लू वाला कपड़ा जो हमने सिला था उसको घुमाते हुए ऐसे करके हमको सिलना है। दोनों हमने दोनों तरफ से सिलना है। तो चलो सिल के दिखाती हूँ। ये वाला जो है ना बड़ा वाला फैब्रिक उसको हमको रखना है उल्टा और इसको रखना है इस पर सीधा, ठीक है, तब हमारा सिलाई बराबर आएगी। तो ये देखो लगा रही हूँ मैं सिलाई, ऐसे करके थोड़ा सा 1/2 इंच रखते हुए हमको सिलना है। और फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ आप लगा सकते हो 1 फ्लिट। मेरे भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैंने 1 फ्लिट लगा दी है, क्योंकि नीचे जो है एक बराबर आना है, ना कम ना ज़्यादा, इसलिए मैंने 1 फोल्ड लगा दी है। आपकी मतलब राइस बैग होती है ना तो हम जितना भी बराबर से नापे ना थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मतलब 1/4 इंच इतना, तो हम 1 फ्लिट लगा दिए तो वो बराबर हो गया था। तो ये देखिए मैं लगा रही हूँ 1 फ्लिट ना। आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी सोचोगे कि एक अगर हमारा कपड़ा ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे। तो आप ऐसे ही बीच से ना 1 फ्लिट लगा देना, कटिंग वटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 1 फ्लिट लगा देना, हो जाएगा आपका काम बराबर। तो ये देखो मैंने एक साइड सिल ली है, अब हम दूसरे साइड भी सिलेंगे। जो हमारे पास दूसरा वाला पीस है ना उसको, तो उसको भी ऐसे ही रखेंगे, सीधा रखेंगे। जो हमारा बड़ा वाला पीस है वो उल्टा है, उस पर रखेंगे हम ऐसे सीधा और उस पर लगाएंगे हम सिलाई। जैसे हमने पहला सिला था ना उसी तरह से हमको सिलना है। तो ये देखो हम लगा रहे हैं, घुमा रहे हैं, बस ब्लू वाले कपड़े को घुमाते जाना है और फ्लिट एक डालना है, क्योंकि हमने उस वहाँ भी 1 फ्लिट डाला था, यहाँ भी 1 फ्लिट डाल देंगे, क्योंकि दोनों हमने एक ही साइज़ पर कटिंग की थी ना तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था। तो ये देखो मैं लगा रही हूँ सिलाई, हाँ हमारा भी सिल गया है।
तो ये देखो दोनों तरफ से हमारा सिल गया है। आपके पास अगर सिंगल कपड़ा हो, आप सिंगल कपड़े से भी आप पूरा बना सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैं ऐसे करके सिल ली हूँ। और ये वाला एक और कपड़ा मैं लेकर आ गई हूँ, इसको अभी ना हम क्रॉस में कटिंग करेंगे 4 इंच की नाप से। जितना भी हमारा फैब्रिक है ना, बस 4 इंच के नाप से हमको ऐसे क्रॉस 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 करके कटिंग कर लेनी है। तो देखो मैं कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने जितने भी पीसेस ऐसे कटिंग किए हैं उसको अभी हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे एक के साथ एक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर से रखेंगे और एक सिलाई पहले लगाएंगे, उसके ऊपर ऐसे घुमाकर फिर पूरा ऐसे करके कवर कर देंगे। जो भी रफ आपको दिख रहा होगा ना, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो नीट लगेगा दिखने में। तो देखो मैं ऐसे करके सिल रही हूँ, पहले 1/2 इंच पे सिलाई लगा रही हूँ और उसके बाद उसको मोड़ कर ना फिर से हम सिलेंगे। तो ये देखो, तो ऐसे करके हम अगर सिलेंगे ना तो ये बहुत दिनों तक टिकेगा भी और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके कोई भी आप यूज़ कर सकते हो क्लॉथ, उसका तो कोई भी मतलब ही नहीं है। आपके पास जो भी कपड़ा हो आप यूज़ कर सकते हो, एक सिंगल कपड़े से भी आप पूरा ये बना सकते हो। मेरे पास बस ऐसे टुकड़े टुकड़े पड़े थे तो मैंने उसका ही यूज़ कर लिया कि ये फेंकने के काम पे ना लाएं, हम इसका भी कोई ना कोई काम हम यूज़ कर सकते हैं, काम पे ला सकते हैं, इसलिए हम बना रहे हैं। आपके पास ना हो तो आप साड़ी वगैरह, पुरानी जो ओल्ड साड़ी होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो मैंने एक तरफ ऐसे करके 1/2 इंच पे सिल ली है। अब इसको ही ऐसे ही मोड़ कर ना हम एक और सिलाई लगा देंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये देखो है ना, अच्छे से बैठ रहा है ये, अच्छे से मतलब दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपका जो भी आप सामान बना रहे हो, चीज़ बना रहे हो, वो बहुत दिन तक आपका जो है ये टिका रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने बनाया और फट गया और दिखने में यहाँ से वहाँ से धागा निकलने लगे तो एकदम बेकार लगता है ना। तो जो भी बनाओ अच्छे से बनाओ ताकि ये बहुत दिन तक आपका इसका जो है निकल जाए, आपका बार बार आपको ना बनाना पड़े ना ख़रीदना पड़े। तो आप अगर मन से बनाओगे तो आपका अच्छा ज़रूर बनेगा। तो ये देखो मैं कैसे सिल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा नोक से ना निकाल रही हूँ, निकाल निकाल के सिल रही हूँ ताकि ये अंदर ना छुप जाए। अक्सर हम क्या करते हैं, फोल्डिंग ऐसे राउंड से सिलते हैं ना, अंदर छुप जाता है, उसको निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ना बाद में अच्छा नहीं दिखता है। फिर हम सोचेंगे अरे थोड़ा सा और अगर ध्यान दे देते तो अच्छा से सिल जाता, तो इसलिए अच्छा आराम से करके हमको सिलना है। तो देखो मैं ऐसे करके सिल रही हूँ, तो ये हमारा एक तरफ सिल गया है। इसी तरह से हमको दूसरा पार्ट भी, दूसरे साइड भी सिलना है। बस ये देखो मैंने दोनों तरफ सिल लिए हैं, तो ये हमारा जो है ना एकदम अच्छा लग रहा है ना, नीट बन गया है। जो धागा पहले दिख रहा था अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी एकदम नीट बन गया है। कोई अगर देखेगा तो भी बोलेगा कि बहुत अच्छा बना है, सुंदर बना है और मज़बूत भी बना है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको भी हम ऐसे ही कवर करेंगे जैसे वो वाला बनाया था ना, वो वाला भी ऐसे ही करेंगे। तो अब हमारे पास ये वाला पीसेस है थोड़े, तो इसको ही हम अभी जॉइंट करेंगे एक के साथ एक और उसके बाद हम इसके साथ अटैच करेंगे। आपके पास मैंने पहले ही कहा जो भी फैब्रिक हो आप यूज़ कर सकते हो, मेरे पास बस बचा कुचा जो भी टुकड़ा है मैं उसी से कर रही हूँ। इसको ही ऐसे ही करेंगे, बस ऐसे फोल्डिंग लगाया और उसको ऐसे मोड़ कर सिलेंगे। ये भी 4 इंच की है, जो फैब्रिक मैंने कटिंग की है ना वो भी 4 इंच की है। बस ऐसे करके हमको पूरा सिलना है। तो देखो मैंने सिल कर भी मैं लेकर आ गई हूँ, ये हमारा सिल गया है और एकदम बहुत ही सुंदर, पूरे मतलब हर तरफ से ये फिनिशिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक मैंने यहाँ पर राइस बैग का और एक टुकड़ा ले लिया है और इसका जो नाप है ये 14 इंच की है। आप 1-2 इंच इधर उधर भी कर सकते हो, मतलब बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। सेम उसी नाप का मैंने येलो कलर का फैब्रिक भी ले लिया है, उसको ऐसे करके अटैच करेंगे और एक एक करके ऐसे फोल्ड लगाएंगे, पहले एक फोल्ड और उसके बाद एक फोल्ड। तो देखो मैंने ऐसे फोल्डिंग लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से मतलब एक किनारे से 6 इंच की नाप लेकर एक मार्क लगाया, दूसरी तरफ से भी 6 इंच की नाप से एक और मार्क लगाया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमने बेल्ट बनाया है ना, इस बेल्ट को हम यहाँ पर सुई धागे की हेल्प से सिल देंगे।
तो फ्रेंड ये देखो, ये हमारा बहुत ही सुंदर सा एक कवर बन गया है। और ये कवर किस चीज़ का बन गया है आप लोग बताओ अभी। ये हमारा बना है मशीन का कवर, जो हमारा मशीन हम चलाते हैं बहुत ही उसमें डस्ट वगैरह गिरता रहता है जब हम यूज़ नहीं करते, तो उसी के लिए हमने इस कवर को बनाया है। कवर कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना।